26 जनवरी गणतंत्र दिवस, वो महान दिन जब भारत का संविधान अस्तित्व में आया। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं हमारे संविधान की खासियत इसे महान बनाती है? अब ये जानना जरूरी है कि आखिर इसमें क्या खास बातें हैं जो इसे पूरी दुनिया में अलग पहचान देती है। इस वीडियो में जानिए भारत के संविधान के उन पहलुओं को जिसे जानना हम सबके लिए जरूरी है। लंबे और कड़े संघर्ष के बाद अंग्रेजों से देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त तो हो गया, लेकिन असमानता, भेदभाव, छुआछूत जैसी विपरीत मानसिकता से देश जकड़ा हुआ था। अब देशवासियों को संविधान और नियमों की जरूरत थी। इसे बनाने के लिए कई देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। इसके लिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कई चीजें ली गई। गरीबी, बेरोजगारी और न्यायिक असमानता के हालात से निकलने के लिए जरूरत थी एक ऐसे संविधान की जिससे ये समझ में आए कि लोगों को कैसा व्यवहार करना है, उनके मौलिक अधिकारों का कोई हनन ना करे और सबको समान अधिकार मिले। और इसके लिए हमें कुछ नियम कानून की जरूरत थी। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया। 26 जनवरी का दिन बहुत खास है। इस दिन भारत का संविधान बना और इसे हम रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन देश को अपना संविधान मिला। फ्रेंड्स, शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे इस दिन के बारे में पता ना हो या जिनके लिए 26 जनवरी सिर्फ एक छुट्टी का दिन हो। हम देश के किसी भी कोने में रहें या दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हमें उन कुर्बानियों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो आजादी के लिए दी गई। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत है, कितना समय लगा और इसे लागू करने से पहले क्या परेशानियां हुई, इन सारे पहलुओं को आइए जानते हैं। दरअसल भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया और दो महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया और इस तरह से इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन अस्तित्व में आया और गणतांत्रिक देश के रूप में भारत ने अपनी पहचान बनाई। 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। डॉक्टर आम्बेडकर ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और अलग अलग देशों की ऐसी व्यवस्थाओं को भारतीय संविधान में जगह दी गई जो भारत के लिए सही था, जैसे राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख और सेना का सर्वोच्च कमांडर बनाना अमेरिका से लिया गया, संसदीय चुनाव, संसद में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था, केंद्र को राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला संघीय ढांचा कनाडा से लिया गया, संसद के लिए जवाबदेह मंत्रिमंडल का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया। कमेटी ने 4 नवंबर 1947 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और पार्लियामेंट पर इस पर डिस्कशन हुआ। संविधान को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा गया और पार्लियामेंट के समक्ष रखा गया। 24 जनवरी 1950 को 308 सदस्यों ने इसे स्वीकृति दी और दो दिनों के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को इम्प्लीमेंट कर दिया गया और इस तरह से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। 26 जनवरी 1950 को संविधान को एक लोकतांत्रिक सरकारी प्रणाली के साथ लागू किया गया। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान का क्या महत्व है और क्यों इसे सबसे बेहतर माना जाता है, आइए जानते हैं। कई देशों के संविधान में बदलाव संभव नहीं और कई देशों के संविधान लिखित नहीं, यानी परंपरागत तरीके से ये चलता रहता है, लेकिन भारतीय संविधान ने बीच का रास्ता चुना। संविधान में प्रशासन या सरकार के अधिकार, उसके कर्तव्य और नागरिकों के अधिकारों को विस्तार से बताया गया। मसौदा तैयार करने वाली समिति ने संविधान हिंदी और इंग्लिश में हाथ से लिखकर कैलीग्राफ किया था और इसमें कोई टाइपिंग या प्रिंटिंग शामिल नहीं थी।
395 अनुच्छेद 12 अनुसूची 5 परिशिष्ट और 100 संशोधनों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है भारतीय संविधान। संशोधनों के प्रस्ताव की शुरुआत संसद में होती है जहां इसे एक बिल के रूप में पेश किया जाता है। इसके बाद इसे संसद के हर सदन के द्वारा पास किया जाना चाहिए। प्रत्येक सदन में इसे उपस्थित सांसदों का 2/3 बहुमत और मतदान प्राप्त होना चाहिए और सभी सदस्यों का साधारण बहुमत मिलना चाहिए। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बदलाव या नए कानून लाए जा सकते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। इसके बाद सामूहिक रूप से खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। गणतंत्र दिवस को पूरे देश में विशेष रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर साल एक भव्य परेड इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक निकाला जाता है और राजपथ पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना सभी हिस्सा लेते हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर हर साल विभिन्न देशों से किसी न किसी हस्ती को बुलाया जाता है। इस दौरान राज्यों की ओर से झांकियों के जरिए अपने प्रदेश की विशेषताएं बताई जाती हैं। अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले को सम्मानित भी किया जाता है। भारतीय संविधान की शुरुआत में ही यानी प्रस्तावना में संविधान का उद्देश्य छुपा है। प्रस्तावना में जिन शब्दों को लिखा गया है वो कुछ इस तरह से हैं: हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इन शब्दों के मतलब कितने व्यापक हैं आप समझ सकते हैं और कैसे ये हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है बताने की जरूरत नहीं। तो हर हिंदुस्तानी को नाज होना चाहिए अपने संविधान पर और भारत निर्माता पर। साथ ही 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की महत्ता को कभी भूलना नहीं चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं।